जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो एक भाई के भी अपनी मुझे सुबह से मैसेज आ रहे थे, मैं आउट ऑफ सिटी था तो इसीलिए अभी आया हूँ। तो वो मुझे बार बार कह रहा था कि Gbpjpy का बताएं, तो सेम ओल्ड स्ट्रेटजी है। तो कुछ लोग कहते होंगे पता नहीं यार, खबर बेच चवने मारता है जो भी करता है, लेकिन देखो मेन पॉइंट पता क्या होता है, अगर यही क्लासेस जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है, ये चाहे मेथड भी बता रहा हूँ चाहे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये मैं पैसों में देता हूँ, फ्री में मैं नहीं देता, ठीक है। लेकिन आजकल कोई सिचुएशन ऐसी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं फ्री में दूँ, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन मेरा नॉलेज है, वो तो मैं फ्री में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये है जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अब मैं एक मेथड तो यूज़ करता नहीं हूँ, मेथड तो मैंने बहुत सारे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो नेगेटिव चार्ट स्ट्रेटजी है वो यही मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं आप लोगों को अक्सर मैंने कल भी बताई थी, गोल्ड के बारे में बताया था, तो Gbpjpy के बारे में बताया है, तो इसके बारे में भी Gbpjpy के बारे में मैं आज बताने लगा हूँ। तो उम्मीद है कि मैं रोज़ की एक वीडियो डालूँगा, उर्दू में होगी तो पाकिस्तानी वाले या हिंदी वाले लोग जो हिंदी समझते हैं, जो जो उर्दू समझते हैं, तो वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे इंग्लिश डेवलपर मिले, इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला, तो जैसे वो मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले भाई हम जाते हैं वीक की कैंडल पे। अब वीक की कैंडल से हमें एक तो हमें हिंट मिल चुका है कि Gbpjpy ने सेल आना है, ठीक है। यहाँ से देखो लो ब्रेक करके ऊपर सिर्फ जा रहा है, अपना रीट्रेस मारने जा रहा है, मैंने खुद सेल बाय लगाया हुआ है, ठीक है। तो SL वैसे श्योर SL है वो ये बनता है अगर हमने रीट्रेस पे बैठना है तो, बट मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है, वो क्योंकि वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो मैंने लगाया हुआ है 143,600 लगा हुआ है। चलिए मैं इसका रीट्रेस निकालता हूँ जिस चीज़ पे मैं बैठा हुआ हूँ, सही है। मेरी एंट्री जो है यहाँ से बनती है, बट यही लेवल है, मेन लेवल यही है, ये और ये, सही है, क्योंकि यहाँ तक Gbpjpy मैंने यहाँ तक लाजमी रीट्रेस मारना है, बट मैं इस लेवल को काउंट करूँगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल खड़ा है, सही। यहाँ से Gbpjpy डाउन आएगा, इससे पहले डाउन नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हम D1 में हमें पता चल गया कि भाई Gbpjpy ने डाउन आना है, चलें हम D1 में आ गए हैं। अब D1 में उसका रीट्रेस का टाइम स्टार्ट है, सही है। देखो इसने बड़ी कैंडल मारी है, 1 2 3 तीसरी कैंडल मार दी, लेकिन उसका लो अभी तक नहीं तोड़ रही, तोड़ा है तो फॉल्स मूव में तोड़ा है, ट्रू मूव में नहीं तोड़ा, चेक कर सकते हैं आप लोग, सही है। तो उसने मीन के अभी तक ट्रू ब्रेकआउट नहीं किया, अगर हाँ ये वाला लेवल ब्रेक कर जाती तो मैं आपको मीन के, अगर ये वाली कैंडल आज की जो कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, यहाँ पर किसी एरिया में भी क्लोज हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल ये समझो 100, ये वाला पहला लेवल 142 और सेकंड लेवल ये वाला है, ठीक है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो फिर मार्केट 100% श्योर है तो यहाँ से यहाँ तक लाजमी जाएगी, 200 पिप ऊपर मूव करेगी, 200 पिप करने के बाद फिर डाउन आएगी। अब मैं रीट्रेस पे क्यों बैठा हुआ हूँ, चीज़ मैं आप लोगों को एक शेयर करूँ। अब ये है मार्केट का रेंजिंग एरिया, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये मार्केट का रेंजिंग एरिया है, जिस जगह पे जाके मार्केट 5 से 7 कैंडलें एक ही सीमत में एक ही जगह पे खड़ी होके मार दे, इनसाइड बार की सूरत में देख लो, या एक मीन के एक ही जगह पे मारे, एक ही जगह पे एक हाई और लो देख लो उसका, ठीक है। तो 5 से 7 कैंडलें अगर एक साथ मार दे तो समझ लो कि यहाँ पर मार्केट रेंजिंग में आ गई है, अब मार्केट ओनली रेंजिंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, मार्केट ने उसका लो तोड़ा है, सही है, लेकिन उसने कैंडल नीचे क्लोज नहीं की, तो यहाँ से मुझे फील हुआ है कि ये रेंजिंग ही कर रही है, सही है, मार्केट रेंजिंग में है। चलें दूसरी चीज़, जो मार्केट ने पिछली रेंजिंग तोड़ी थी, आप लोग चेक करो,
जो मार्केट ने भाई पिछली रेंजिंग तोड़ी थी उसी पे आके उसने रिटेस्ट किया है। सही है, उसी को रिटेस्ट किया तो यहाँ से इसका बाय जाने का 100% हक बनता है, इसका रिट्रेस का हक फुल श्योर बनता है। तीसरी चीज़ मैं आपको कन्फर्मेशन बता दूँ, मार्केट बड़ी सिंपल है, ठीक है, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ये देखें, मैं यहाँ से लेग काउंट करता हूँ, हाई लो, इसने जो लो बनाया पिछले लो से ऊपर बनाया, इसलिए मार्केट का ट्रेंड अप है। तो यहाँ से जैसे ये वाला लेवल ब्रेक करती तो आप लोग इसको बैक कर सकते थे, आपका टारगेट ये वाला लेवल था, फिर दूसरा ये वाला लेवल था, ठीक है। चलो सो छोड़ो, वो जो होना था हो गया, सो बीतनी थी बीत गई। चलें नेक्स्ट हाई, ये वाला, उससे जो उसने लो बनाया है वो ये वाला है। सही है, अब इसने ये जो लो बनाया है इसने मीन के ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा, ये इसने लो नहीं तोड़ा। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सही है, दो चीज़ें डेवलप होती हैं कि अगर ये हाई तोड़ेगी तब हम बाय करेंगे, अगर लो तोड़ेगी तब हम सेल करेंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हमारे पास इतनी इक्विटी होती है कि हम इसको होल्ड रख सकें, इतना वो हमारे पास मीन के वो नहीं होता, हौसला नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, इतना होल्ड रखने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 वीक, 4 वीक, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने भी वेट करना पड़ेगा। बट हम हैं छोटे ट्रेडर, चलें हम इसका नेक्स्ट वेट करते हैं, हम किसी और टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। चलें नेक्स्ट, यहाँ पे उसने जो हाई मारा है वो पिछले हाई से डाउन है, इसका मतलब अभी तक मार्केट हमें कन्फ्यूज़ कर रही है। एक तो हमारा यहाँ पे बनता है ट्राई एंगल, सही है, अगर हम श्योर ट्रेडर हैं मीन के समझ लो कि भाई श्योर ट्रेडर हैं, तो हमारा यहाँ पे ट्राई एंगल बनता है। चलो हम चैनल को भी नहीं मानते, ट्राई एंगल को भी नहीं मानते, हम इस पैटर्न को मानते ही नहीं हैं, एक मिसाल है। चलें यहाँ पे मार्केट ने, हमने कन्फर्म एंट्री तब मिलनी थी अगर इसका हाई तोड़ती तब हम बाय करते, अगर इसका लो तोड़ती पिछले का हम फिर सेल करते, उसके रिट्रेस का वेट करते फिर हम सेल करते। चलें अब यहाँ पे मार्केट आई है, अब यहाँ पे उसने लो बना दिया है और यहाँ पे देखो उसने फिर हाई बना दिया। अब जो ये हाई बनाया है इसे के हाई से लो बनाया है, और नेक्स्ट चीज़ उसने प्रीवियस जो अब नेक्स्ट आके यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे देखो उसने अपना लो तोड़ के नीचे आई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके फाइबो से इसका टारगेट निकालता हूँ तो मुझे अच्छा खासा समझ आ जाएगा कि मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर ली, तो अब इसका रिट्रेस का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब 61 के लेवल पे आके उसने मारी है बिरिश कैंडल, तो यहाँ से हमें सेल बनता था। अब इसका मैं आपको टारगेट भी दिखा देता हूँ, आप लोग चेक करें कि उसी लेवल पे आके मार्केट रुक गई है। सही है, इसने यहाँ पे मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो यहाँ पे इसने बीरिश कैंडल दी हो, लेकिन आप इस एरिया में देख सकते हैं इसने कोई भी बीरिश कैंडल नहीं दी, जो भी दिए हैं बुलिश दिए हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि यहीं से ही मार्केट ने रिट्रेस मारना है। उसका नेक्स्ट टारगेट ये है, सही है, टारगेट उसका नेक्स्ट ये है, बट पहले मार्केट इस लेवल को टच करेगी यार, पहले मार्केट इस लेवल को टच करेगी, इस लेवल को जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, ठीक है, बाबर रिटेस्ट करेगी, इस लेवल को टच करेगी, उसके बाद मार्केट डाउन आएगी इस लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो फिर ये वाला लेवल है, सही है। लेकिन Gbpjpy का जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो सेल का ही है, H4 में देखो ब्रेकआउट कर चुकी है। दूसरा हाई लो अगर हम स्ट्रेटजी देखते हैं तो वो भी काउंटेबल है, जस्ट उसने रिट्रेस मारने जाना, यहाँ से उसके जाना मजबूरी है। अगर आप श्योर एंट्री लेना चाहते हैं, मैं तो वैसे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, सपोर्ट है, ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करेगी तब सेल आएगी वरना ऊपर ही जाएगी। तो मैं तो इस लेवल पे बैठा हुआ हूँ। दूसरा, अगर आप श्योर एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय स्टॉप लगाएंगे, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, अगर आप लोगों ने श्योर एंट्री लेनी है। ये देखा रेंजिंग एरिया है, यहाँ से आप बाय करेंगे, ये वाला आप कैसे लोगे, ये वाली आपकी टीपी होगी। अगर आपने सेल करना है तो यहाँ से आपका सेल स्टॉप होगा, और ये वाला आप कैसे लोगे, और ये वाली आपकी टीपी होगी, ठीक है। तो अभी तक मेरा माइंड बाय का ही है, लेकिन आप लोगों ने सेल करना है, कहाँ से करना है वो इस एरिया से करना है,
अभी तक कोई एंट्री नहीं बन रही, सीधी बात है, ठीक है। सेल करना है तो यहाँ से करना है, ये सीरीज से सेल करना है आप लोगों ने। अभी एंट्री होने, अभी एंट्री लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरे तो इक्विटी अच्छी है खैर, तो मैं इसलिए ट्रेड लगाता रहता हूँ। दूसरा ये है कि मैंने लोगों को प्रॉफिट करवाना होता है, तो मैं छोटी मोटी रिस्क के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। वैसे मेरी इक्विटी 2,000 है, लेकिन मैं 2 सेंट की लाट लगा रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं इतनी बड़ी ट्रेड नहीं लगा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा व्यू है, यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी तो आई, लेकिन नहीं जाएगी ऊपर, ठीक है। सर ये स्ट्रॉन्ग एरिया पे खड़ी है, इसलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तो सॉरी मैसेज में मुझे तंग किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से सेल करना है, अगर सेल करना चाहते हैं, बाय नहीं करना, बाय में आप लोगों ने नहीं बैठना, मैं बैठ गया हूँ, सो वो मेरा लक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सेल करना तो यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ पे मेरा ऐसे लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग सेल स्टॉप लगाएंगे, ये वाला आपका ऐसे होगा। और टीपी आपकी इस कनेक्ट जो टारगेट है वो 140 है, 140 मैंने कहाँ से देखा वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप लाइन बार चार्ट पे आ जाएं, ये इसका टारगेट है 141 या 300, ये वाला इसका टारगेट 140 या 500। और ये वाला इसका नेक्स्ट टारगेट है, सही है। तो अब अगर नेक्स्ट चीज देखते हैं, मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है, उसकी मूव भी पूरी कर ली है, D1 में बनाया था उसने, उसकी उसने मूव भी पूरी कर ली है, लेकिन उसका हाई नहीं तोड़ा। अगर हाई तोड़ती तो फिर निकल जाती, फिर इसका ये टारगेट था, पर उसने हाई नहीं तोड़ा, तो इसलिए हमें यहाँ से भी आइडिया होता है कि इसने डाउन आना है। तीसरी चीज़, अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, सही है, तो फिर आप लोग यहाँ पे एक कैंडल भी नीचे क्लोज कर दे इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको सेल कर सकते हो। आपका नेक्स्ट टारगेट ये है, और आपका जो SL होगा वो D1 की हाई वाली कैंडल, D1 की डेली टाइम फ्रेम की हाई वाला वो होगा, ठीक है, ये वाला आपका टारगेट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा तो अभी कोई इशू नहीं है, खैर जो मेरा दिल कर रहा था वो मैंने कहा चलो शेयर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक देन कमेंट, अदरवाइज नो थैंक्स। तो ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।